तो माय डियर्स, मैं निज़ाम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RCTI गन। दोस्तों, अगर आपके पास भी ये बोया का माइक है, अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे कनेक्ट करना चाहते हैं और आपका लैपटॉप आपके माइक को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, यानी वर्क नहीं कर रहा आपका माइक, तो किस तरीके से अपने माइक को या फिर एयरफोन को हम लैपटॉप से कनेक्ट करके किसी भी ऑडियो या वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो चलिए हम लैपटॉप के स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं। वहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसकी सेटिंग करनी है। यहाँ पे देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको लैपटॉप में अपने माइक को कनेक्ट कर लेना है। माइक को कनेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली जो है यहाँ पे ये जो साउंड वाला ऑप्शन है, जहाँ से हम वॉल्यूम वगैरह को फास्ट कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे साउंड वाला ऑप्शन मिलेगा। साउंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऊपर कई सारे ऑप्शन है, प्लेबैक, रिकॉर्डिंग साउंड, तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे माइक्रोफोन एरे करके ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, अभी फिलहाल मेरा माइक यहाँ पे कनेक्ट है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कॉन्फिगर स्पीच टू रिकॉग्नाइजेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉन्फिगर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा। यहाँ पे देखिए सेट अप माइक्रोफोन, यहाँ पे सेटअप माइक्रोफोन, अगर आपने माइक्रोफोन लगा रखा है या हेडफोन लगा रखा है तो आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर एयरफोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट है हेडफोन एंड माइक्रोफोन, तो हेडसेट या फिर माइक्रोफोन दोनों चीज हम कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल अगर डेस्कटॉप पे माइक रखा हुआ है ये भी कनेक्ट कर सकते हैं, अदर माइक को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे करेंगे आप नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद में आपको एक बार फिर से नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको ये स्पीच करने के लिए देगा। तो ये जो मैटर आपको लिखा हुआ है यहाँ पे आपको दो बार पढ़ के और आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पीटर डिटेक्टेड टू हिज कंप्यूटर, ही प्रेफर इट टू टाइपिंग एंड प्रॉपरली पेपर इट टू पेपर एंड पेन एंड पेपर। ये मैटर आपको तीन बार रीड करके यानी बोलना है। तो ये आपका जैसे ही आप बोलेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको सिंपली कर देना है फिनिश। जैसे आप फिनिश करेंगे तो आपका माइक पूरे तरीके से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप कोई भी वीडियो या रिकॉर्ड करेंगे तो आपका जो एक्सटर्नल माइक होगा उसमें जो भी आवाज़ आपने बोला होगा, जो भी रिकॉर्ड किया होगा, वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में या ऑडियो में शामिल हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।